नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ शुरुआत भोपाल से आ रही बड़ी खबर से। बीजेपी मुख्यालय में आज बैठकों का दौर चलेगा और बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक होनी है। दरअसल राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री इसमें शामिल होंगे और सभी विधायक मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। दरअसल प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और विधानसभा क्षेत्र में विकास के रोडमैप पर भी चर्चा होनी है। आपको दे दें जानकारी कि बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर आज होने वाली बैठक में क्या कुछ विषय तय किए जाएंगे और जो कि सभी विधायक मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, तो एक व्यापक स्तर पर बैठक की जानकारी मिल रही है। स्वाभाविक है, और विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से विकास कराया जाना है और किन परिस्थितियों में विकास का जो पहिया है अगर रुक रहा है तो उस पर कैसे काम किया जाए कि वो तेज गति से घूमे और सभी को इसका लाभ मिले। दरअसल प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और संगठन के स्तर पर भी बातचीत होगी। बीजेपी मुख्यालय में आज बैठकों का दौर रहेगा जारी। बीजेपी मुख्यालय में आज सभी विधायक, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री शामिल होने वाले हैं और सभी विधायक और मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में सभी पदाधिकारी भी शामिल होने वाले हैं और विधानसभा क्षेत्र में विकास के रोडमैप पर भी चर्चा यहां पर होनी है और संगठन के स्तर पर क्या चर्चा होगी ये भी देखने का विषय होगा, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय भोपाल में आज ये बैठक होनी है राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की मौजूदगी में। इसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी शामिल होने वाले हैं, चूंकि सभी विधायक आ रहे हैं ऐसे में मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र में विकास के रोडमैप पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक सवाल और यहां पर बनता है कि क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। वासु, आज बीजेपी की जो बैठक होनी है कई बड़े पदाधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं, सवाल एक और अहम कि क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की हाई लेवल बैठक है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस पूरी बैठक के साथ जुड़ेंगे। उस सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो कार्य समिति के सदस्य हैं, वो सारे लोग इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा हों या फिर अन्य पदाधिकारी हों, और चुनावों में जिस तरह से आशीष लगातार बीजेपी को मध्य प्रदेश में बैक टू बैक सफलताएं मिली हैं, उन सफलताओं को कैसे आने वाले समय में जारी रखना है, जो ऐसे बूथ थे, जो ऐसी सीटें थी जहां पर विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं कर पाया, लोकसभा में भी जो ऐसे बूथ हैं जहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वहां पर किस तरीके से नए सिरे से जमावट की जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठनात्मक रूप से किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, केंद्र और राज्य की जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे घर घर तक ले जाया जाए, और बीजेपी का जो एक मध्यप्रदेश में मजबूत कैडर बना है जो अब देश में सबसे मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि मध्यप्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को क्लीन स्वीप करने में कामयाबी मिली है और मध्यप्रदेश में 29 सीट जीतने के कारण ही केंद्र में बीजेपी की एक मजबूत सरकार बन पाई, तो इस सफलता को कैसे आगे लेकर चला जाए, और सत्ता और संगठन के बीच जो बीजेपी हमेशा एक समन्वय बनाने की बात करती है वो समन्वय कैसे बना रहे, क्योंकि बीजेपी की एक विचारधारा ये भी है कि लगातार सक्रिय बने रहें और चुनावों का इंतजार ना किया जाए सक्रियता के लिए, लगातार जनता के बीच रहा जाए, लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचा जाए, और यही वजह है कि बीजेपी पिछले सालों में बहुत मजबूत होकर उभर कर सामने आई है। तो अगर आज की बैठक को आप देखें तो कुछ इसी तरीके से एक बार फिर चुनाव के बाद नए सिरे से जमावट करने की तैयारी में जो है वो बीजेपी के तमाम बड़े नेता नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा बासु, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी पर, लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे इंदौर से अगली खबर, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस पार्टी की है। जीतू पटवारी इसका नेतृत्व करेंगे। दरअसल इंदौर नगर निगम घोटाला, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाना, इसमें नीट और नर्सिंग घोटाला का विरोध भी शामिल रहेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन की तैयारी में है और इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे जीतू पटवारी। इंदौर नगर निगम में कथित घोटाला और भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर नीट और नर्सिंग घोटाला के विरोध में भी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन की तैयारी में है। सरकार को घेरने का प्रयास और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का, साथ ही जो आरोप लग रहा है नगर निगम में घोटाले का और नीट नर्सिंग घोटाला जैसे मुद्दों को लेकर जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज
पौधारोपण करेंगे। दरअसल बिजली कंपनी मुख्यालय गोविंदपुरा में ये पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश भर के बिजली कंपनीज के परिसर में पौधारोपण होगा और आज 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने हैं और लक्ष्य है 1 लाख पौधों को लगाने का। बिजली कंपनी मुख्यालय गोविंदपुरा में एक पौधा लगाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आगे बढ़ाएंगे और बिजली मुख्यालय गोविंदपुरा में एक पौधा लगाया जाएगा और लक्ष्य 1 लाख पौधों को लगाने का लेकर चल रहे हैं और आज ही ये 1 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। प्रदेश की बिजली कंपनी गोविंदपुरा मुख्यालय में ये पौधा लगाकर मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। और ग्वालियर किला घूमने आए दो दोस्तों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की और दोनों को उरवाई गेट पर बेसुध होकर गिरे हुए देखा गया और पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची और दोनों ने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है और दोनों की पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है। फिलहाल जांच में पता ये चला है कि एक शख्स ने परिवार से परेशान होकर जहर खाया है तो वहीं उसके दोस्त ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए ऐसा किया। पुलिस अस्पताल से दोनों के ठीक होने के बाद जहर खाने के कारणों को लेकर भी पूछताछ करेगी। अगस्त को ये बोड़ापुर किले पर दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पड़े हुए थे, उनके साथ बताया गया कि वो जहर खा लिया है उन्होंने, साथ ही उनको जेआरओ हॉस्पिटलाइज कराया गया है। दोनों आपस में मित्र हैं और घटना की अभी पुलिस द्वारा तस्दीक की जा रही है। दोनों युवकों के DD भी कराए गए हैं डॉक्टर और तहसीलदार साहब की उपस्थिति में, तो उनके अंदर जो भी तथ्य आते हैं परिवार के द्वारा जो भी बयान दिए जाते हैं उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई जो बनती है वो की जाएगी। और बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को डबरा के उदलपाड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 5 मोबाइल फोन्स और कई सिम कार्ड्स बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी केंद्रीय मंत्री का हवाला देकर अफसरों को ट्रांसफर करवाता था और खुद को केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बताता था। आरोपी ने MP के DGP से TI के ट्रांसफर के लिए मैसेज किया था और IG ने दोनों TI को निलंबित कर दिया। पुलिस आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित से पूछताछ में जुटी है। आपको बता दें कि दिसंबर 2016 में भी पुष्पेंद्र ने विदेश मंत्रालय के फर्जी पत्र के आधार पर BSF कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाया था। खुलासा होने पर आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित पर दिल्ली में केस दर्ज हुआ और वो अपनी ID पर हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ फोटो लगाकर झांसा देता था। और बांग्लादेश के हालात को लेकर PM आवास पर CCS की बैठक हुई और PM मोदी को हालात की जानकारी दी गई। इस बैठक में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हुए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उन हालातों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है और CCS की इस बैठक में PM मोदी को हालात की जानकारी दी गई और इस बैठक में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सभी शामिल हुए। चूंकि सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, बांग्लादेश जो कि पड़ोसी देश है और भारत से ही निकलकर ये अलग देश बना था और वर्तमान हालातों को देखते हुए अब यहां पर भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी है। शेख हसीना भारत आ गई हैं और हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं और वहीं बांग्लादेश में हालात इतने खराब है कि पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया। सेना अब पूरे देश में तैनात हो गई है, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हालातों को देखते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए शेख हसीना भारत आ गई हैं और ऐसे में अब अगला कदम क्या कुछ उठाया जाएगा वहां की सेना के द्वारा यह भी देखने का विषय होगा और कैसे बांग्लादेश के हालात काबू में आते हैं एक बड़ा प्रश्न। और MP में कमजोर पड़ा मॉनसून सिस्टम, दरअसल अगले एक सप्ताह हल्की बारिश होगी और प्रदेश में गरज चमक की गतिविधियां होती रहेंगी। आकाशीय बिजली गिरने, चमकने के मामले बढ़ेंगे क्योंकि लोगों से सुरक्षित रहने के लिए भी कहा जा रहा है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें क्योंकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में यहां पर हल्की बारिश होती रहेगी जबकि
थंडरस्टॉर्म यानी बिजली कड़कने की जो घटनाएं हैं वो होते रहने की जानकारी मिल रही है, और क्योंकि मॉनसून अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर हुआ है। वासु चौरे से बात करेंगे और जानेंगे कि मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है आने वाले मौसम के बारे में। जी वासु। बिल्कुल, देखिए आशीष, मध्य प्रदेश में आने वाले 6 से 7 दिनों तक हल्की बारिश की जो संभावना है, मध्यम गति से जो बारिश की संभावना है वो व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अब जो सिस्टम से जो सर्कुलर सिस्टम बन रहे थे, जो कम दबाव के क्षेत्र बन रहे थे, वो थोड़े से कमजोर हो गए हैं, और जितने सिस्टम अभी पिछले एक हफ्ते तक सक्रिय थे, जिसके कारण मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का दौर देखने को मिला। रिकॉर्ड तोड़ मानसून जो है वो कई जिलों में दर्ज किया गया, नदी नाले उफान पर आ गए, बांधों में पानी लबालब भर गया, और अभी तक वो जो एक्सेस वाटर था उसको बांधों से छोड़ा रहा है, लेकिन वो जो सिस्टम थे मजबूत सिस्टम वो फिलहाल अब खत्म हो गए हैं, और अभी ऐसा कोई नया सिस्टम डेवलप होता हुआ आने वाले 3-4 दिनों में नजर नहीं आ रहा है मौसम विभाग को, जिससे लगातार तेज बारिश मध्य प्रदेश में हो। तो अब एक सप्ताह रुक रुक के बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जो है व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन जो थंडर स्टॉर्म की सिचुएशन होती है, जो बिजली कड़कने की स्थिति होती है, बिजली गिरने की जो स्थिति होती है, इस तरीके का मौसम जो है यानी कि आंधी तूफान वाला जो मौसम है वो अब एक हफ्ते तक बना रहेगा, और लोगों को मौसम में बेहद सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बिजली गिरने से, आंधी तूफान चलने से कई तरीके के जो हादसे हैं वो पेश आते हैं। तो थोड़ी सी राहत जरूर बारिश से मिलेगी, लोगों के जो रोजमर्रा के काम लगातार हो रही बारिश से प्रभावित हो रहे थे वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से अब आने वाले समय में चल सकेंगे, लेकिन इसके साथ ही अभी फिलहाल अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मानसूनी सीजन जो है वो लगातार जारी है। अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, करीब सीजन की जो 65% बारिश है वो हो चुकी है, और आने वाले जो ये पूरा अगस्त का महीना है, इस पूरे महीने में जो एवरेज रेनफॉल की जो संभावना मध्य प्रदेश में व्यक्त की गई थी उसको पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है, और कई जिलों में एक्सेस रेनफॉल के भी जो आंकड़े हैं वो सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसके लिए लोगों को अपने स्तर पर भी तैयारी करके रखनी होगी, और जिस तरह थंडरस्टॉर्म और बिजली कड़कने की घटनाओं की बात कही जा रही है उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रतलाम में एक बार फिर जिला प्रशासन का अमला मदरसों की जांच करने पहुंचा। प्रशासन ने विरियाखेड़ी में मदरसे की जांच की तो पता चला कि यह मदरसा बिना अनुमति के संचालित हो रहा है, और इस मदरसे में 44 बच्चियां पढ़ रही हैं जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, एसडीएम सिटी और इस पर कार्रवाई करने पहुंचे तो वे भी दंग रह गए। दरअसल मदरसा बिना अनुमति के संचालित हो रहा था, और संचालक का कहना है कि अनुमति की प्रक्रिया चल रही है, और एक छोटी सी बिल्डिंग में यह पूरा मदरसा संचालित होता था, जिसका रिकॉर्ड प्रशासन ने तलब किया है। में मदरसों की जांच करने के लिए रतलाम का जिला प्रशासन लगातार अब सड़कों पर उतरा है। रतलाम के बिरियाखेड़ी स्थित एक मदरसे पे जिला प्रशासन की टीम पहुंची है, साथ ही साथ महिला बाल विकास के अधिकारी है, आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारी यहां पर जांच कर रहे हैं। 44 बच्चियां यहां पर इस मदरसे में दर्ज हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश की बच्चियाँ भी इसी मदरसे में यहाँ पर जो धर्म की शिक्षा है वो ले रही हैं, और ये महिला बाल विकास के अधिकारी हैं जो कि पूछताछ कर रहे हैं। और ये देखिए, ये पूरा प्रीमाइसेस है, यहाँ पर जो ये जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर रहती है, और ये इस कमरे में भी जो है यहाँ पे जांच कर रही है। कुछ केयर टेकर यहाँ पे मौजूद है जो इन बच्चियों का देखरेख करते हैं, महिला बाल विकास के अधिकारी है, और ये देखिए लगातार जांच कर रहे हैं यहाँ पे, और इनसे चर्चा भी कर लेते हैं। सर, कितनी बच्चियाँ यहाँ पे दर्ज है और कहाँ कहाँ की बच्चियाँ? बच्ची हैं जिनका एडमिशन यहाँ पे और स्कूल में हमने करा रखा है, लेकिन पूरे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हम अभी जमा नहीं करा पाएँ, क्योंकि कुछ स्कूलों से उनके रिजल्ट वगैरह नहीं मिल पाए, इसके वजह से जो है वो अधूरा। परमिशन की क्या स्थिति है? हमारे पास नहीं, हमने उज्जैन डाल रखी है, फाइल चल रही है, और क्या नाम उनका क्या नाम इनको फाइल दे रखी है, इमरान सर वकील हैं, उनको फाइल दे रखी है, आप उनसे मालूमात कर सकते हैं। कितने रूम है यहाँ पे रहने की व्यवस्था? 6 रूम हैं टोटल। केयर टेकर कौन है, महिला है, पुरुष है? बच्चों के लिए 5 रूम हैं, 2 एक टीचर के लिए हैं। केयर टेकर कौन है, पुरुष? आप यही रहते, साथ में रहते हैं? यहीं पर रहता हूँ, बच्चियाँ ऊपर रहती हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या नाम है आपका? शाहिद रजा। पद क्या है आपका? मैं कारी हूँ पद से, उर्दू। तो शहीद रजा साहब बता रहे हैं कि परमिशन अभी नहीं है, परमिशन अंडर प्रोसेस है, उसके बावजूद 40 बच्चियाँ यहाँ पर रजिस्टर्ड है जो कि यहाँ पर धर्म की शिक्षा ले रही है। सुधीर जैन, न्यूज 18, रतलाम। और जबलपुर में नगर निगम ने जर्जर भवनों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने की मुहिम तेज कर दी है। नगर निगम में क्षेत्र में करीब 65 मकान चिन्हित किए गए हैं जो जर्जर हैं,
और काफी पुराने हैं। इनमें से ज्यादातर मकान खाली पड़े हैं, जिनके मालिक अब दूसरी जगहों पर जाकर रहने लगे हैं, लेकिन उन्होंने जर्जर मकानों को जस का तस छोड़ दिया। नगर निगम अतिक्रमण दल के प्रभारी सागर बोरकर ने यह बताया कि चिन्हित किए गए 65 जर्जर मकानों में से 21 मकान तोड़े जा चुके हैं और बाकी मकानों को भी सावधानी के साथ तोड़ा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कहीं जल भराव की स्थिति है तो कहीं जर्जर मकान ढह रहे हैं। जबलपुर में ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें जर्जर मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि नगर निगम द्वारा जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया और उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस वक्त हम जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत साठिया कुआं में मौजूद हैं, जहां पर ये सोनी परिवार का एक मकान है जो काफ़ी पुराना है और जर्जर हो चुका है। अंदर की तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इस मकान की स्थिति हो चुकी है। हालांकि यहां आसपास में और भी लोग रह रहे हैं जो बेहद रिस्क में रह रहे हैं और प्रशासन ने जब यह मकान चिन्हित किया तो इन्हें नोटिस भी दिया ताकि वो अपना मकान खुद तोड़ लें, लेकिन सक्रिय जगह होने के कारण, संसाधनों की कमी के कारण यह कार्रवाई नहीं हो पाई। फिलहाल प्रशासन के द्वारा अब जो है नगर निगम ने अतिक्रमण दल बुलाकर और उसके साथ में ये कार्रवाई शुरू की है, जिसके बाद अब ये जर्जर भवन तोड़ने की कार्रवाई अभी चल रही है और इस भवन के टूटने के बाद निश्चित ही आसपास के लोगों को भी राहत मिलेगी। बहरहाल जबलपुर में नगर निगम ने तकरीबन 65 ऐसे जर्जर मकान चिन्हित किए हैं जो बेहद बुरी स्थिति में है और कभी भी ढह सकते हैं। इनमें से 21 मकानों को अभी तक तोड़ा जा चुका है, बाकी कार्रवाई अभी लगातार जारी है। पवन पटेल, News 18 जबलपुर। देखिए, जो नगर निगम के द्वारा जितने भी भवन चिन्हित किए गए हैं जो जर्जर हो चुके हैं उसमें टीम काम कर रही है। अभी तक 65 जो टोटल जर्जर भवन हैं वो हमने चिन्हित कर चुके हैं, भवन शाखा से चिन्हित हो चुके हैं। इसके बाद इनमें हटाने की भी कार्रवाई की जा रही है, लगातार भवन हट रहे हैं, आज भी भवन हट रहा है जर्जर भवन। रायपुर नगर निगम के पार्षद वाटर ट्रीटमेंट के पार्ट बेंगलुरु और मैसूर से सीखेंगे। अब 70 पार्षदों का दल आज बेंगलुरु और मैसूर शहर के दौरे पर जाएगा। दरअसल दोनों शहरों से ये वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का अध्ययन करेंगे और पार्षद एक हफ्ते तक दोनों जगहों पर रहेंगे और फिर लौटकर रायपुर में इसे लागू करवाने की कोशिश की जाएगी। वहां की प्लानिंग, उसके इंस्टॉलेशन, उसकी आने वाली समस्याओं का कैसे निराकरण हो, इसके लिए एक स्टडी टूर प्रस्तावित है और ये स्टडी टूर रायपुर नगर निगम सीखेगा बेंगलोर में जाके, मैसूर में जाके और उसे शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। कल पूरे 70 पार्षद अध्ययन दल के लिए बेंगलोर रवाना हो रहे हैं। कल 11 बजे की फ्लाइट है, वहां पर जाके हम स्वच्छता को लेकर, वहां एक वाटर का नया सिस्टम चालू हुआ है पानी ट्रीटमेंट को लेकर, तो दो चीज हम लोग बेंगलोर नगर निगम और मैसूर नगर निगम